राजधानी देहरादून में 15 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के चलते विभिन्न स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा से जुड़े कदम और यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इसी के तहत RTO प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा माह दो मुद्दों पर केंद्रित है, जिसमें यदि कोई यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान कर वाहन बरामद किया जाता है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि युवाओं को जागरूक करने के लिए हमने स्कूल और कॉलेजेस में जाकर उन्हें यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। रोड सेफ्टी को लेकर के सरकार और पूरा जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो चिंतित है, क्योंकि दुर्घटनाएं हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। तो हम लोग का प्रयास है कि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन से हम लोग रोड सेफ्टी मंथ भी मना रहे हैं, एक महीने का है। इसमें हम लोग प्रचार प्रसार का काफ़ी काम कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं। ऐसे हम लोगों ने ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग विदाउट हेलमेट, इस सब पर विशेष अभियान चलाया है। प्रचार प्रसार के लिए हम लोग स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं और वहाँ के जो युवा वर्ग है उसको जोड़ रहे हैं साथ में। अभी हमने एक रैली भी करवाई थी, रोड सेफ्टी रैली, जिसकी झंडी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया था और काफ़ी लंबी ये रैली थी और बहुत सारे लोग ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अब कल भी हमारा एक प्रोग्राम है, स्कूलों में हम जा रहे हैं, वहाँ हम ड्राइंग कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं रोड सेफ्टी को लेकर के, बच्चों के अवार्ड भी दे रहे हैं हम लोग। और अभी एक हेल्थ चेकअप कैंप भी करवाया था, आपने देखा होगा कई ड्राइवर्स जो हैं उनको पता नहीं होता है कि उनकी कमियां क्या है हेल्थ के रिलेटेड, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, कई बार BP की शिकायत होती है, हाइपरटेंशन होता है, शुगर का होता है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने CMO साहब से रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने एक टीम भेजी थी, डॉक्टर पैरामेडिक सबकी टीम थी और वहाँ हम लोगों ने ISBT देहरादून में एक हेल्थ चेकअप कैंप ड्राइवर्स का किया था, वो भी काफ़ी सफल रहा था, लगभग 100 लोगों ने उसका बेनिफिट।